हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी वीडियो फिल्मोरा एक्स पे कैसे एडिट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। पे फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है मैंने, बस डाला फिल्मोरा गूगल पे डाउनलोड फिल्मोरा एक्स, तो ये ओपन यहाँ पे हो गया है। अगर आप लोग फिल्मोरा को टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप फिल्मोरा को सीखना चाहते हैं, ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या न्यू है, तो आप इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप चीज़ें चला चला कर या अपना जो भी है आप जिस तरीके से करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप को इस पे इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड करने के लिए, यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए इसको लेना है, तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो आपको एक बड़ा बड़ा आपकी वीडियो पर वाटरमार्क दिखेगा। मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसलिए मैं यहाँ से नॉर्मल साइन इन करूँगी और मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब मैंने पहले से ही ओपन करके रखा था, क्योंकि इसमें फिल्मोरा ओपन करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो मैंने इसे ओपन करके रखा था। शुरुआत में ही जब आप फिल्मोरा के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपसे ये आपका प्रोजेक्ट का रेशियो पूछेगा कि कितने बाय कितने प्रोजेक्ट करते हैं। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है कि आप 16:9 का लेंगे या फिर 1:1 का। ये इंस्टाग्राम के लिए, ये पोर्ट्रेट के लिए है, इसी तरीके से आपको जिसके लिए भी लेना है। बट हमारा यहाँ का जो रेशियो है यूट्यूब का, हम 16:9 सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो आपकी विंडो है, ये 16:, तो आप फाइल पे जाएं और प्रोजेक्ट पे, फाइल पे जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आप इसको सेलेक्ट कर लें। अभी देखिए, मीडिया पे क्लिक कर दिया है। मीडिया में ये फोल्डर हैं, फोल्डर 2 फोल्डर 3। अगर आपको अपना कोई भी प्रोजेक्ट आप एडिट कर रहे हैं, अगर आपको ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, तो आप फोल्डर इस तरीके से बना के करें, यहाँ से फोल्डर, न्यू फोल्डर ऐड हो जाता है। अब इसमें आप देखिए, मैंने सैम्पल कलर पे क्लिक किया है, तो ये यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल्स आ गए हैं। आप जो भी सैम्पल चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, डबल क्लिक किया मैंने इस पर, ये कुछ इस तरीके से सैम्पल कलर, सैम्पल वीडियो पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके से वीडियोज़ हैं। ये सैम्पल वीडियो हैं और ये एडिटिंग में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होती हैं, उससे आपकी एडिटिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ट्रैवल सैम्पल वीडियो हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसको और नीचे किया, अब मैंने सैम्पल ग्रीन स्किन किया, तो अब ये देखिए मेरे पास कितने सारी ग्रीन स्किन जो है वो ओपन हो गई हैं। इसमें से जो भी आपको यूज़ करनी हो वो आप कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। अब मीडिया में हो गया, अब हम ऑडियो पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास हर तरीके का इसमें म्यूज़िक है, तो यंग एंड ब्राइट म्यूज़िक पे क्लिक किया तो ये सारे म्यूज़िक्स आ गए हैं। डबल क्लिक, इस ऐसे ही इसमें बहुत सारे म्यूज़िक हैं। रॉक है, रॉक में अलग म्यूजिक्स हैं सारे, इलेक्ट्रॉनिक में अलग हैं सारे, बहुत सारे म्यूजिक्स आपके साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ अपना, आपकी म्यूज़िक गैलरी में कोई सॉन्ग है या कुछ ऐसी MP3 कुछ भी ऑडियो है जो आप करना चाहते हैं, तो आप हमने टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे
टेक्स हैं, जैसे यहाँ पे ओपनर्स हैं, तो ये इस टाइप से यहाँ पे सारे ओपनर्स आ जाते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो, अगर डाउनलोड नहीं है, इसको मैंने दबाया, ये डाउनलोड हो रहा है और अब आप इसे डबल क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से आ रहा है, जाएंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा, सिंपल तरीके से। अगर आप लोअर में जाएंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पे नीचे आपका टाइटल दे रखा होगा। अगर आप सबटाइटल में जाएंगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा। ये देखिए, इस तरीके से न्यू कॉन्सेप्ट में बहुत सारे आपको टाइटल अलग अलग मिलेंगे। आप अपने तहत ट्रांजेक्शन्स पे ट्रांजेक्शन बेसिक्स हैं, मैं ज़्यादा बेसिक्स यूज़ करती हूँ। जैसे ये क्यूब है, तो ये इस तरीके से है। अगर आपको फ़ोटो की स्लाइड्स बनानी है या वीडियो है आपकी, यहाँ पे 3D भी अवेलेबल है, और यहाँ बहुत टाइप के आपको इस तरीके से देखिए मिलेंगे, जो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक, ये देखिए, तो यहाँ पे ऐसे आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिलेंगे इफ़ेक्ट्स में। याद रखिए, एडिटिंग उतनी ही करें जितनी कि सुंदर और खूबसूरत लगे। कभी कभी ज़्यादा एडिटिंग करने से वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप अपनी वीडियो में अपने अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला इफ़ेक्ट्स है। तो इस तरीके से कुछ आपके इफ़ेक्ट्स आएंगे। आते हैं एलिमेंट्स में, ये सारे एलिमेंट्स ओपन हो गए हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ डबल क्लिक करके। ये देखिए, ये इस तरीके के एलिमेंट्स हैं। इसमें लव के भी एलिमेंट्स हैं, जर्नी के भी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं इसमें जो आपके यूज़ आ सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत आता है हमारा नेक्स्ट स्प्लिट स्क्रीन। यहाँ पे आपको ये सुविधा दी गई है कि आप अगर एक या एक से ज़्यादा वीडियो चलाना चाहते हैं, या एक से ज़्यादा फ़ोटो एक बारी में दिखाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने डबल क्लिक किया, वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, या चार फ़ोटो का यूज़ भी कर सकते हैं। जिस वीडियो की वॉल्यूम आपको चाहिए आप ऑन कर दें, बाकी को अनम्यूट कर दें। तो ये रहा स्प्लिट स्क्रीन का यूज़। तो ये टूल आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या क्या काम है। अब आते हैं इस वाले पे, प्रीव्यू विंडो पे। आप जो भी यहाँ आपकी टाइमलाइन में आप बनाएंगे, वो आपकी इस विंडो में दिखेगा कि आपका क्या आप बना रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टाइमलाइन, और ये है मीडिया। अब आ जाते हैं कि अब आप टूल्स है, ये रीडू, इससे आप डिलीट कर सकते हैं, और इससे आप अपनी वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं, इससे एडिट कर सकते हैं। अगर ये आप देख रहे हैं, ये वीडियो का सिंबल बना है, ये वीडियो ट्रैक है, ये आपका ऑडियो यानी म्यूज़िक ट्रैक है, यहाँ पे एक लॉक जैसा सिंबल भी है, अगर अभी तो आप इसे सिंपली लॉक कर दीजिए। अब देखिए, आपकी टाइमलाइन लॉक हो गई है। आप म्यूज़िक को भी लॉक कर दीजिए, और अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से भी म्यूट कर सकते हैं, और भी मैं आपको विंडो के टूल्स पे, ये जो टूल्स है आपका, जब आप यहाँ अपनी टाइमलाइन में कुछ भी एडिट कर रहे होते हैं, तो वो अगर आप उसकी क्वालिटी डाउन कर लेंगे 1/2, 1/4, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो अगर आप उसे फुल पे चलाएंगे तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में चलेगा, तो इसलिए वो दिक्कत देगा। तो इसलिए आप जब भी एडिटिंग करें तो क्वालिटी थोड़ी डाउन कर लें, और जब आपका वीडियो पूरी तरीके से एडिट हो जाए तब आप उसे फुल कर लें। यहाँ पे ये रेंडर का ऑप्शन दिया गया है। जब
कभी भी हमारा यहाँ टाइमलाइन में हम एडिट करते हैं तो वो फंस फंस के चलने लगती है, पूरी रेड हो जाती है। तो उसको स्मूथ करने के लिए हम यहाँ रेंडर का यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक किया था तो देखिए, आप यहाँ पे अगर कुछ रिकॉर्ड करना चाहें तो सिंपली यहाँ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप टाइमलाइन का जो भी म्यूज़िक है, वीडियो का साउंड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो का साउंड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जूम आउट जूम इन, यहाँ से आप सिंपली अपना म्यूज़िक का देख सकते हैं कि किस टाइप से आपकी टाइमलाइन की जो आवाज़ है वो ऊपर नीचे किस टाइप से हो रही है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ से कोई भी वीडियो यहाँ ट्रैक करके डाली है तो प्ले हो जाता है, तो ये उसके लिए दिया गया है। अगर आपकी टाइमलाइन में जगह है तो आप इसे ओपन करें, अदरवाइज इसे क्लोज़ कर दें। ये आप विंडो बड़ी करके भी आप इसमें देख सकते हैं। ये है मार्क इन मार्क आउट। अगर आपको अपनी वीडियो का कुछ पार्ट चाहिए और कुछ पार्ट नहीं चाहिए तो आप मार्क इन मार्क आउट कर सकते हैं, या भी आगे हम समझेंगे और अच्छे से। क्या सेक्शन है इसका, मैंने टूल आपको एक्सप्लोर कर दिया है। हमारा विंडो सेक्शन है, इसका टूल मैंने आपको एक्सप्लोर कर दिया है। हमारा टाइमलाइन सेक्शन है, इसका मैंने टूल आपको एक्सप्लोर कर दिया है। अब चलिए, अब फाइनली देखते हैं कि वीडियो कैसे एडिट होता है। आप ध्यान रखें, जब भी कोई वीडियो आप एडिट करने जा रहे हैं तो कोई भी टॉपिक है तो आप अपने गैलरी में एक उसका फोल्डर बना के रख लें, ताकि आपको यहाँ इंपोर्ट करने में आसानी हो। जैसे अब हमको इंपोर्ट करना है तो हम जाएंगे मीडिया में, और ये इंपोर्ट का सेक्शन है। अब इसमें इंपोर्ट मीडिया फाइल्स लिखी है, इंपोर्ट फ्रॉम अ कैमरा ऑन द फ़ोन लिखा है, इंपोर्ट विद इंस्टा लिखा है, और इम्पोर्ट अ मीडिया फोल्डर लिखा है। आप पूरा फोल्डर भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें फ़ोल्डर इम्पोर्ट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम यहाँ पे दिखाएगा कि किस में फ़ोल्डर है। अब मेरा फोल्डर है वॉल्यूम ई में, यूट्यूब। अब मैंने पूरा फोल्डर मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया है, जितनी भी चीज़ें मैंने उसमें रखी थी वो यहाँ सारी इंपोर्ट हो गई हैं। यही सारी, अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर आपको इमेज चाहिए आपको इमेज मिल जाएगा, और अगर आपको ऑडियो चाहिए तो यहाँ आपको ऑडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सब कुछ, अगर आपका डेटा ज़्यादा हो गया है तो आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अब हम अपना वीडियो एडिट करते हैं। हमारा ये है वीडियो ट्रैक और ये है ऑडियो ट्रैक। जितने भी ट्रैक आपको चाहिए वो ऊपर ऐड हो सकते हैं। कि एडिटिंग है ये टाइमलाइन के अंदर होती है, या हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ कौन सा वीडियो होगा, किसके ऊपर कौन सा टेक्स्ट होगा, कौन सा इफ़ेक्ट होगा, वो सब हमारी इस टाइमलाइन में डिसाइड होगा। जिस पर मैंने क्लिक किया और ये मैं यहाँ पर सीधे ट्रैक करती हूँ और इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे विंडो प्रीव्यू पे दिखा रहा है इस पिक्चर को कि ये इस तरीके से है। अब अगर आपको पिक्चर यहाँ पे पूरी चाहिए तो आप फुल रहने दें, अदरवाइज़ ये इस तरीके से क्लिक करके इसको छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। अगर आप इसे छोटा करते हैं और आप पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि कौन सा टाइटल मुझे यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये टाइटल यूज़ करना चाहिए, और इस तरीके से इसको सीधे इसके ऊपर वाले वीडियो वाले ट्रैक पे कर दिया, यहाँ पे ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दिया। वीडियो ट्रैक है, इस पर मुझे पूरी पे टेक्स्ट चाहिए तो मैं इसके बराबर रखूँगी, अदरवाइज़ मुझे थोड़ी पे चाहिए अगर तो मैं इसे छोटा कर दूँगी, लेकिन मुझे पूरी पिक्चर पर अपने टेक्स्ट चाहिए तो मैं इस पर इस तरीके से क्लिक कर दूँगी। मैं डबल क्लिक करूंगी। याद आप रखें, जो रेड कलर का आप टूल देख रहे हैं, इसका ही सारा खेल है। ये टूल अगर यहाँ पे होगा
जहाँ पे ये टूल होगा वहीं पे आप चीज़ें यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ये टूल यहाँ पे है और आप चाहेंगे कि कहीं भी अपना फाइल ड्रैग करके लगा दें, तो वहीं से ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका ये जो टूल है ये यहाँ पे है और आपका वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब डबल क्लिक करते हैं फॉर, अब हमको अपना यहाँ पे टेक्स्ट डालना है सिंपली, तो हम ये पहले हटा देते हैं। अब हमको डालना है गोवा, गोवा का साइज़ बदलना है, तो आप इस तरीके से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और आप यहाँ से गोवा को सेलेक्ट करके इसका साइज़ यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। गोवा को सेलेक्ट यहाँ पे करके आप उसका फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। एक सिंबल दिया गया है, इसको टेक्स्ट कलर में जाके यहाँ आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रेड करना है तो आप रेड कर दीजिए, टेक्स्ट स्पेस देना है तो स्पेस दे दीजिए, और अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आप इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। और इसके नीचे भी ऑप्शन दिया गया है रोटेट का, अब हम इसे ओके कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ अब इसको, इस टेक्स्ट को आपको जहाँ भी फिट करना है आप फिट कर दीजिए। जैसे मैंने इसे कॉर्नर में फिट कर दिया है, अब मैं इसको भी सेंटर में ऐड कर दूँगी और ये मेरा टेक्स्ट जो है वो गोवा का ऐड हो गया है। देखना चाहती हूँ कि किस तरीके से लगता है, तो मैं इसको विंडो पे प्ले कर देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब मुझे यहाँ पे अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो ऐड करनी है। अब मैंने वीडियो शूट करके उसको ट्रिम करना भूल गई हूँ या ट्रिम नहीं किया है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया में जाइए और यहाँ पे क्लिक करके वीडियो में जाइए। अब ये वीडियो है, ये मुझे ट्रिम करनी है, तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगी और ये मेरी यहाँ चल जाएगी। अब मैं इसे ज़ूम इन और ज़ूम आउट करूँगी। अब मैं इसे पूरा चलाकर देख लूँगी इस तरीके से और समझ लूँगी कि मुझे कहाँ से इसको कट करना है, तो मैं वहीं पे इसको इस तरीके से सेट कर दूँगी कि मुझे यहाँ तक कट करना है और ओके। अब आप जब भी इस वीडियो को यूज़ करेंगे तो आपका इतना ही पार्ट यूज़ होगा जितना कि आपको चाहिए, करके यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। अब मुझे लग इंजेक्शन ऐड कर देती हूँ, पहले मैं इसे चला के देखती हूँ डबल क्लिक से, मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देती हूँ। अब आपको इतना ही बड़ा चाहिए तो आप इसको इतना बड़ा रखें, अदरवाइज़ आप इसको इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं और इसको एक जगह पर, अगर आप चाहें तो सेंटर में रख दें और अगर आप चाहें तो इधर रख दें। मैंने इधर रख दिया है कि वीडियो में जो आपने रिकॉर्ड किया है, अगर आपको उसका साउंड नहीं चाहिए तो आप सिंपली हैंड बन के आ गया है और आप इसे नीचे ड्रॉप कर दीजिए। अब आपकी इस वीडियो में आवाज़ नहीं है, देखिए बॉस। अब आप सिंपली यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक अपना भर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑडियो में गए हैं और ऑडियो में हमने ये वाला म्यूज़िक जो है हमें पूरे में फिल करना है, तो हम इस रेड वाले को साइड में कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको ट्रैक करके ड्रॉप कर देंगे। अब ये देखिए, पूरा म्यूज़िक फिल हो गया है। अब अगर हमें म्यूज़िक कम या ज़्यादा चाहिए तो ये आप हाथ का ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका म्यूज़िक स्टार्टिंग में स्लोली स्टार्ट हो और बाद में हाई, तो आप इस पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डाउन करें और अब आप यह देख रहे होंगे यहाँ स्लोली स्टार्ट होगा और ये हाई पे चला जाएगा। अब
जहाँ तक ये आपकी फ़ोटो है वहाँ तक आपको ऑडियो ये म्यूज़िक चाहिए और बाकी आपको अपनी वीडियो की साउंड चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसके करके। आप यहाँ से जब ये वाला सिंबल आ जाएगा तो आप इसे इस तरीके से शॉर्ट भी कर सकते हैं और उसके, या मैं इसको यहाँ ला सक, ऐसे बीच में सेंटर में मैंने रख दिया है और इसको यहाँ सेलेक्ट कर दिया है और ये सीज़र पे क्लिक किया है। अब ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। राइट क्लिक करके यहाँ से कट करके हटा देती हूँ। तो अब ये मेरा म्यूज़िक जो है वो उतने ही पार्ट पे आया है जितने पे मुझे चाहिए। अब मुझे अपनी वीडियो में वॉल्यूम चाहिए तो मैं इस हाथ को इस तरीके से ऊपर कर देती हूँ। अब यहाँ तक मेरा म्यूज़िक बजेगा और टेक्स्ट आएगा और यहाँ मेरी वीडियो स्टार्ट होगी। अब बहुत से लोग अपना लोगो ऐड करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे भी अपना लोगो ऐड करना है तो मैंने उसे, मेरी इम्पोर्ट फाइल में मेरा लोगो नहीं था तो पहले अपना लोगो मैं उसमें डाल लेती हूँ। ये मेरी, मैंने अपना लोगो इंपोर्ट कर लिया है। पिक्चर में जाती हूँ, इमेज, और ये मेरा लोगो रहा है। मैंने ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। ये वीडियो ट्रैकर है, 1, 2, 3 और 4। इसके इस पर क्लिक करूँगी और इसके साइज़ को उतना कर दूँगी जितना ही मुझे चाहिए। छोटा साइज़ करके मैं इसको साइड में डाल दूँगी। अब मुझे ये अपनी पूरी वीडियो में अगर चाहिए तो मेरी वीडियो है कहाँ तक, मैं इसे क्लिक करूँगी, इस तरीके से इसको बढ़ा दूँगी जहाँ तक मेरी वीडियो है। मेरी वीडियो आपको सब्सक्राइब भी डालना है तो आपके पास सब्सक्राइब का कोई पिक या कोई भी सिंबल वगैरह हो तो आप उसे डाल लें। जैसे मेरे पास ये है तो मैंने इसे इम्पोर्ट किया अपनी मीडिया फाइल में। ये देखिए, अब मैंने सिंपली इमेज से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। गैप बच जाए, हो जाए बाई चांस, तो आप इसे राइट क्लिक करके डिलीट गैप कर दीजिए। सब्सक्राइबर वाला जो पिक है ये मुझे पूरे में अप्लाई करना है। अब मैं इसके साइज़ को भी छोटा करके इसे कहीं फिट कर देती हूँ जहाँ भी। अगर मुझे सब्सक्राइब वाला पूरी वीडियो पे नहीं चाहिए तो मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ। मुझे ये अपनी पूरी वीडियो पे नहीं चाहिए तो मैंने इसे यहाँ तक शॉर्ट कर दिया। अब देखिए मेरे पास 4 वीडियो ट्रैक हो गए हैं, मेरे पास म्यूज़िक हो गया है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए इसमें इफ़ेक्ट्स का यूज़ करती हूँ तो ये किस तरीके से जाएगा। इसमें एलिमेंट्स कुछ ये वाला, तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देती हूँ। अगर मुझे स्टार्टिंग में मैंने डाला है, अब मुझे स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, यहाँ पे डाल देती हूँ। और अब मैं इसको, मुझे देखना है अपनी प्रीव्यू विंडो पे कैसा लगेगा, तो मैं इस रेड कलर के टूल को उसके ऊपर ला के एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर ऐसा आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इसका साइज़ छोटा करती हूँ, टूल को किनारे पर कर देती हूँ। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये वीडियो इतना मैंने बन गया है। अब पिक है या वर्टिकल में आपने शूट कर लिया है तो अब आप वर्टिकल यहाँ पे डालेंगे तो वो हाफ़ स्क्रीन ही कवर करेगा, हाफ़ नहीं करेगा। तो आप उसमें क्या करें, आप उसमें स्प्लिट स्क्रीन करें और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे, मैं इसको आगे कर देती हूँ। मुझे इस वीडियो के बाद मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ये जो रेड सीज़र वाला टूल है ये मुझे इसके ऊपर चाहिए। आपके पास ऐसी कोई वीडियो है, मान लीजिए मैं अपनी ऐसी कोई वीडियो ढूंढती हूँ, जैसे कि इन वीडियो में से ये वाली वीडियो ले लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है, यहाँ जाके इसको
मार्क इन मार्क आउट कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ क्लिक करा, इसके बाद यहाँ ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब ये देखिए आपकी वीडियो, फिर आपने यहाँ क्लिक किया जूम इन, अगर आपको पूरे में दिखाना है तो जूम इन, अगर हाफ में दिखाना है तो जूम आउट, अगर आपको आवाज़ चाहिए तो आप ऑन रखिए, म्यूट करना है तो म्यूट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, यहाँ से भी नहीं चाहिए तो राइट क्लिक और कट कर दीजिए। अब इस तरीके का मान लीजिए ये हमारा पूरा वीडियो एडिट हो गया है कि ये पूरा रेड हुआ हुआ है, यानी ये हमारा जो टाइमलाइन है वो अटक अटक के चलेगा, तो हम यहाँ इसको रेंडर पे क्लिक करते हैं और अब ये हमारा पूरा रेंडर को टाइमलाइन का जो भी है वो उसको स्मूथ कर देगा। ये देखिए ग्रीन हो रहा है, यानी कि स्मूथ हो रहा है। इस तरीके से ये पूरा टाइमलाइन को स्मूथ कर देता है। अभी हम इसे कट कर सकते हैं, आपका पूरा हो जाए तो आप हटा दें। इस तरीके से ग्रीन हो गया यानी स्मूथ हो गया। अब इसे आप चलाकर फाइनली देख सकते हैं। अब आपको इसको सेव करना है। आप इसे दो तरीके से सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हेडिंग डालें और डिस्क्रिप्शन डालें और उसको एक्सपोर्ट कर दें। ये देखिए इस तरीके से ये एक्सपोर्ट होने लगेगा आपकी गैलरी में। अब हम मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको कट कर दिया। इसको यूट्यूब पे सेव करना है। एक्सपोर्ट में जाएं, अपलोड टू यूट्यूब, और देखिए यूट्यूब पे एक इस पे आप टाइटल डालें, अपना डिस्क्रिप्शन डालें और एक्सपोर्ट कर दें, ये यूट्यूब पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट हो रहा है, अब हमको नहीं चाहिए, हमने कट कर दिया है। फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट मीडिया में जाएंगे और अभी जो आपने प्रोजेक्ट सेव किया है वो इंपोर्ट कर लेंगे। आई होप के आपको मेरी ये वीडियो में मैं बेसिक्स आपके क्लियर करना चाहती थी तो वो मैं कर पाई हूँ बहुत हद तक। तो आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।